दरगाह देखिए कितना भयंकर है, पहाड़ी के ऊपर दरगाह है, पहाड़ी के एकदम बीचों बीच, मतलब देखिए आप देख सकते हो, आसी सीधा चलेंगे अपन ऊपर। चोर चोर बैगन बैगन चोर बैगन चोर। तो भाई 3:30 बज गए थे और हम लोग थे अभी वाड़ी में चांतारा धुमाल के ऑफिस के पास। तो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, मैं हूं कुणाल चंद्र, चैनल का होस्ट और आप सभी का दोस्त। और जगह नहीं दिख रही है ना, नहीं है, आज एकदम हाईवे से व्लॉग शुरू कर रहा हूँ। और मेरे साथ है आज कुणाल क्रिएशन के ओनर कुणाल भैया। कुणाल भैया इधर से आए हैं, मतलब कुणाल भैया का गांव बोलो या गांव नहीं बोल सकते, सिटी बोल सकते, शहर कलमेश्वर सर इधर से सीधा आता है। कितना करता है? 13 किलोमीटर। आप कहाँ से आए भैया तक? हाँ कुछ नहीं होता, चलता ही है। तो मैं इधर से आया और कुणाल भैया बताएंगे कहाँ जा रहे हैं अपन आज आप कर दो। काय के लिए? संदल देखने जा रहे हैं कि संदल का वीडियो बनाने जा रहे हैं? वीडियो बनाने जा रहे हैं और देखने भी जा रहे हैं। देखने दिखाने है ना? कौन सी पार्टी है? सिंगल पार्टी। मेरे को भी तो कमेंट आई थी चार पार्टी करके। फिर वो लड़के ने कमेंट किया कि किसी की डेट हो गई करके। अच्छा तो थ्रिस्टार है कंफर्म? तो अभी चलते सीधा है ना गाइस। आज है आष्टी का उर्स और थ्रिस्टार धुमाल लगी है। और भी कोई पार्टी होंगी तो पता नहीं, बट थ्रिस्टार धुमाल है। और आज हमारा हम लोग फ्री थे, हम लोग का मुंगेली का प्रोग्राम था, मतलब मुंगेली जाने का प्रोग्राम था 1 तारीख का, वो कैंसिल हो गया। तो कुणाल भैया बोल रहे थे कि वो कैंसिल हो गया, तो आष्टी चलते। तो अभी हम लोग जा रहे हैं आष्टी और टाइम अभी 3 बज रहा है और वहाँ पे 4 बजे पार्टी चालू हो जाती है। देखते अभी कितने टाइम में पहुँचते, 100 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से पूरा, तो देखेंगे अभी यहाँ से पकड़ लो 100 किलोमीटर पूरा पड़ेगा। कुणाल भैया भी ब्लॉग बना रहे, अभी चलते अपन निकलते बिना टाइम वेस्ट किए। अभी हम लोग निकल गए 70-80 की स्पीड से, कंटिन्यू में जाएंगे अभी आष्टी। और वेदर चेक कीजिए गाइज, वेदर बहुत भयंकर बना हुआ है, एकदम धूप भी नहीं है और बादल भी नहीं है, छाव है। जाने में मजा आएंगे, चलाने में, गाड़ी चलाने में, और रोड भी पूरा एकदम भरा नहीं है, खाली है, चलाने में तो और भी मजा आएंगी। और हमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आष्टी पहुँचना है गाइज। हमारी गाड़ी नागपुर अमरावती हाईवे पे भी कंटिन्यू 80 की स्पीड से चल रही है गाइस। ट्रक को अभी ओवरटेक मारते हैं अपन, चलो आए ना देखते हैं ओवरटेक मार के क्या। ओवरटेक अभी कार को भी देते हैं अपन, चलो कार को ओवरटेक मार के देखते हैं। अभी कार वाला सुन नहीं रहा जब से, देखते अभी इसको भी ओवरटेक मार के। तो ये गए अपन कार के आगे गाइस, लेकिन कार वाला कुछ सुन नहीं रहा गाइस। ये कार वाला गाइस शायद हमें देख के और गाड़ी भगा रहा है आगे, लेकिन इसको ओवरटेक करेंगे। देखो आगे देखते रहिए, इसको ओवरटेक जरूर करेंगे हम लोग। देखो अभी गाइस ये देखिए वही कार आगे में हमारे, और इस बार हम लोग इसको ओवरटेक जरूर करेंगे। अभी चाह ही रहे एकदम स्पीड से, 90 की स्पीड से गाड़ी चल रही है अभी, और इस बार तो गया ये भाई गया। इसको इस बार पीछे छोड़ना है, मतलब छोड़ना है, इसने हमें 3-4 बार रोका आगे जाने से, लेकिन इस बार हम लोग जाएंगे। काका तुम साइड हो जाओ, हम लोग आ गए, जाने दो। ये कार कैब लग रही है गाइस, किसी की पर्सनल कार नहीं लग रही है, लेकिन अभी तो ये बाजू में अपने, लेकिन ओवरटेक हो जाएंगे, इसको ओवरटेक करके रहेंगे इसको अपना। गाइज नागपुर से आष्टी पूरा 110 किलोमीटर पड़ता है, और हम लोग का घर एकदम नागपुर में नहीं है मेन, लेकिन हमारे घर से भी 110 किलोमीटर पड़ता है, 110-112। तो हम लोग निकल गए हैं आधे तक तो नहीं पहुँचे, आधे के आधे पहुँच गए होंगे। अरे देखो गाइज कार वाला फिर से भगा रहा है, ये बहुत भगा रहा है, मतलब हमको सामने जाने नहीं दे रहा इसको, लेकिन ओवरटेक तो करेंगे अपन, कोंडाली से पहले तो कर ही लेंगे इसको ओवरटेक। देखते हैं वेदर चेक कीजिए आप लोग फिलहाल, तो वेदर बहुत भयंकर बना हुआ है और जो रोड से वाइब्स आ रही है वो अलग, एकदम अलग। मौसम में जो एकदम से चेंजेस हुए ना गाइस, मतलब मौसम में जो अभी है फिलहाल एकदम दिलखुश मौसम है, हमें जाने में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होने वाली है, पता है, क्योंकि इसी की जगह अगर धूप रही थी गाइस तो हमको थोड़ा बहुत तकलीफ हुई थी जाने में। धूप, आप पता है धूप में गाड़ी चलाते हुए तो कैसा लगता है करके। हम कोंडाली क्रॉस कर लेते गाइस, और कार वाले का कुछ पता नहीं, कार चली गई कार गई तो, बट पीछे है कार इतना पता है। हम लोग कोंडाली क्रॉस कर लेते हैं, अभी जा रहे हैं 70-80 की स्पीड से तो जा ही रहे हैं, उसके कम तो चल नहीं रही अपनी गाड़ी। तो आई होप कि जहाँ से हम निकले वहाँ पे जो टाइमिंग था उसके बाद हम लोग 1 घंटे के बाद आष्टी में तो पहुँच जाएंगे, 1 घंटा 1.25 घंटा में तो जरूर पहुँच जाएंगे हम लोग। पिछले बार तो हम लोग भी बजे थे गाइस आष्टी का उर्स बाजार में, बाजार लाइन का, बट इस बार पता नहीं कौन सी पार्टी लगाई थी वो लोग, तो हम लोग भी अच्छा बजाए थे और मज़ा भी आई थी बजाने में। और हमको भी वहाँ पे 10:30-11 तो बजते आ गए थे, तो सिस्टर भी शायद आज 10:30-11 बजे तक के बजेंगी, और वैसे भी उधर पुलिस वालों को इतना टेंशन नहीं है, तो बजेंगी पार्टी है ना। तो जो लोग अभी सिनेमेटिक्स लेके अपने पहुँचा और बढ़ते सीधा आष्टी की ओर, जल्दी पहुँचना चाहिए क्योंकि पार्टी की स्टार्टिंग मिलनी चाहिए, वही मेन होता है सबसे ज़्यादा।
तो गाइज बोलने लायक तो है नहीं, लेकिन बोलता हूँ कुणाल भैया बहुत हंस रहे। हम लोग पहुंच गए आष्टी और इतना भयंकर गाड़ी 90 से तो नीचे चली नहीं। और कितने देर में पहुंचे भैया? एक घंटे में 110 किलोमीटर पहुंच गए हम लोग। शायद 3:17 को निकले थे, देखो 4:17 को पहुंचे। 3:17 को निकले थे, 4:17 के थोड़ा पहले ही पहुंचे, 2 मिनट पहले, है कि नहीं? तुम्हारी जो इच्छा थी कि पार्टी चालू होने की पहले पहुंचना है वो पूरी कर दी थी। और तुम्हारे लिए आया मैं ना, तो मेरा तो पूरा मूड ऑफ हो गया था। मैं ब्लॉग भी नहीं बनाने वाला था। मैं सोचा अभी इतने दूर जा रहा हूँ, ब्लॉग नहीं बनाऊंगा तो कुछ मतलब नहीं। तो देखते हैं, अभी ठंडा वंडा पीते दरगाह तरफ चलते हैं। दरगाह तरफ जाएंगे पहले, दरगाह का शॉट ले लेंगे ना, और रात को मान लो कि वहाँ पे बहुत भीड़ रहेंगी, तो अपन चलते अभी जाके ले लेते शॉट, फिर इधर चलेंगे। पार्टी चालू होने का थोड़ा टाइम है ना, तो अभी हम लोग पहुंचे, ठंडा वंडा लेते थोड़ा, पानी वानी पीते, फिर और करेंगे कंटिन्यू, और देखना आगे बने रहना है ना। तो भाई ये चेक कीजिए, यहाँ पे खाली ग्राउंड में मेला लगा हुआ है, आगे ऊपर में दरगाह है। हम लोग सीधा दरगाह की तरफ आए थे क्योंकि बाद में इधर बहुत भयंकर भीड़ हो जाएंगी, और हम लोग जल्दी निकलने के हिसाब से आए हैं। मतलब जैसी पार्टी बंद हो जाएंगी वैसी, क्योंकि इधर पूरी दुकानें वुकानें लगती है, और सीधा चलते ऊपर दरगाह का शॉट लेते हैं, फिर चल जाएंगे बस्ती में जहाँ से पार्टियाँ चालू होंगी ना। तो दरगाह के बाद चलते दरगाह का शॉट लेते, फिर बढ़ेंगे अपन बस्ती तरफ। हम लोग दरगाह पास आए थे गाइस, और दरगाह देखिए कितना भयंकर है, पहाड़ी के ऊपर दरगाह है, पहाड़ी के एकदम बीचों बीच। मतलब देखिए आप देख सकते हो, यहाँ से सीधा चलेंगे अपन ऊपर, ऊपर से एक दरगाह का शॉट लेंगे, बाकी पूरा आजू बाजू का नजारा लेंगे। आपको कैसा लग रहा है यहाँ का नजारा? बहुत अच्छा, पहली बार देख रहे हो ना? पहली बार, हाँ कुछ नहीं होता, चल एक्सपीरियंस लेना जरूरी है लाइफ में हर चीज का, पहली बार है ना। जैसे भैया लोग साथ में रहेंगे तो एक्सपीरियंस मिलता ही रहता है। अगली बार 200 की ट्रिप, 200 किलोमीटर राजनांदगांव से भी जाना अपने को, लेकिन देखते अगर अपने को पॉसिबल नहीं है मैं बताता हूँ आपको, लॉगर को मैं अपना चेहरा लेता है ना। वाइस हम लोग सीढ़िया चढ़ते जा रहे हैं, और आप पीछे का नजारा देख सकते हो, और अभी हम आधे में आए हैं सीढ़िया चढ़ते चढ़ते, और पीछे का नजारा बहुत भयंकर है। तो ऊपर चढ़ के दिखाऊंगा मैं पूरा नजारा है ना, लेकिन दरगाह और आगे है, तो चलते पूरा ऊपर चलते, उसके बाद देखेंगे बाकी पीछे का भी नजारा, और आपको भी दिखाऊंगा, मैं भी दिखूंगा क्या वाइब्स आती है। तो हम लोग वाइब्स के लिए देखो क्या लेके, मतलब और वाइब्स हमारे वाइब्स में और थोड़ा ऐड ऑन किया हमने, स्प्राइट लेके आए हम लोग, बट यहाँ पे नहीं पियेंगे, रोड पे पियेंगे। तो गाइस ये देखिए बैक में दरगाह, बैक में इतना भयंकर पहाड़ी के ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ पूरा नीचे का नजारा है ना। ये देखिए ये पूरा अष्टी शहर, इधर से बस्ती में संदर निकलेंगे, फिर चलते चलते आएंगे दरगाह, और आजू बाजू का नजारा देखिए पूरा। मेरा तो गाइस कुछ भी प्लान नहीं था इधर आने का, कुणाल भाई बोले मुंगेली का प्लान था अपना, तो कैंसिल हो गया, तो चलो मुंगेली की जगह इधर चले जाते, तो मैंने हाँ भी बोल दिया था, बट टाइम पे भी कैंसिल हो सकता था। फिर मैंने सोचा कि कुणाल भैया को मैंने बोल दिया वो चलते करके, और ऊपर से कुणाल भाई मेरी राह देख रहे थे 14 माइल पे, तो मैं कैंसिल नहीं कर सकता था, मैं लेके आ गया उनको। अभी देखते 3 स्टार देखते, और कोई पार्टी मिलेंगे तो वो भी देख लेंगे ना। गाइस हम लोग ये रोड पे रुक के थोड़ा वाइब्स ले रहे थे, मतलब इवनिंग टाइम हो रहा है समझ लो, क्योंकि धूप ज़्यादा है नहीं, और वेदर चेक करो यहाँ का आष्टी का, आष्टी का मतलब हम लोग जब नागपुर से निकल रहे थे तभी वेदर चेंज हो गया था, धूप ज़्यादा नहीं थी, बट इधर अलग ही वेदर बना हुआ है। आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, फीलिंग बेटर मोर देन नागपुर है ना। अच्छा। साइलेंट है बट अभी समझो, आप समझ सकते हो, यहाँ से लो करो झूम, घूमा क्या? ये देखो गाइस दरगाह, यहाँ से उतना तो परफेक्ट दिखेगा नहीं। तो गाइस ये देखो हमारे गणेश भैया, भैया भैया हम लोग नागपुर से मिले, हम लोग नागपुर से मिले भाई, हम तो 2-4 दिन से यहीं पर है, कहा है? सुनो ना, हम लोग नागपुर से मिलने आए, और ये लोग ये भैया हमसे बात भी नहीं कर रहे। आओ ना यार, हम तो बोल रहे हमारे साथ पैदल चलो, हम आप लोग बड़े लोग गाड़ी से जा रहे हैं, पापा गाड़ी लगती ना, आओ ना, तुम भी बैठो हमारे साथ गाड़ी में। लेकिन एक बात है, नानक कितनी दूर है, पास में तो जाना है, हम लोग नागपुर से, हम लोग नागपुर में आए, लेकिन तुम बात भी नहीं कर रहे, तुम बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे, चल लगता तो चाय नाश्ता करो, लगते तो 1000 ले ना, कुछ अलग से, अलग से गरम में जगह क्या, हमारे मास्टर लोग अकेले अकेले खाते भी हमको देते नहीं। अनुराग दादा, अनुराग दादा, अनुराग दादा। हम लोग घूमे फिर आष्टी में आने के बाद थोड़ा सा, और अभी पहुंचे थे हम लोग 3 स्टार के गाड़ी के पास। यहाँ पे देखिए शार्पी ऑपरेटिंग करा जा रहा, ऑपरेटिंग मतलब क्या बोलते उसको,
शार्पी क्या करना चालू है आप बता सकते क्या? चेकअप चालू है। चेकअप मतलब वो बीमार थी। और कर कौन रहा है तो हमारे चिकू भैया जिनको कुछ भी आता नहीं फिर भी रखे हमने हमने मतलब अर्पित अर्पित भाव ने रखे हाँ? इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे देखो सी ओ एन टी आर ओ डबल एल ई आर बैगन इंग्लिश बैगन एक बार है ना और यहाँ पे 10 पेटी चोर 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 बैगन बैगन चोर बैगन चोर और यहाँ पे इतना 10 पेटी बांध जाएगी बहू 10 पेटी का काम है थ्री स्टार का तो अभी अभी देखते हैं लाइटिंग वाइटिंग चेक करेंगे उसके बाद चालूंगी पार्टी। तो गाइस लाइटिंग सेट हो गई है बस अभी साउंड चेक की दे रही है बाकी बाजे वाले पूरे रेडी है बस 5-10 मिनट में पार्टी चालू हो जाएंगे और मौसम पूरा बारिश हमारे रुमान भैया कैसा लग रहा है आपको आज अच्छा लग रहा है और मौसम भी बहुत मजबूत है आज और मौसम भी बहुत मजबूत है आज बजाने में बहुत मजा आएंगे ना और मास्टर का अपने सागर मास्टर गाड़ी में चलो कोई बात नहीं अभी चलते चाय वाय मार के आते फिर बनाते वीडियो।
तो गाइस पार्टी अभी भी अंदर ही है, अभी 8:30 कुछ बज रहे हैं, मैंने टाइम देखा नहीं व्लॉग शुरू करने के पहले, और मैं आष्टी के बस स्टैंड के पास था। कुणाल भैया थोड़े बिजी थे, हम लोग को लग गई थी भूख तो हम लोग कुछ खाने आए थे चाइनीज, बट चाइनीज़ की एक भी दुकान नहीं दिख रही गाइस मुझे, मुझे मतलब हम दोनों को नहीं दिखी। हम लोग देखते देखते अंदर से बाहर तक, हम लोग बस स्टैंड के पास थे अभी, अब देखते संदल रोड पे आएंगा ख़त्म होगा। वसीम भैया बोल रहे थे कि उनकी मौसी के घर खाना खाना चलना करके, और आपको तो पता है हम लोग फुकट का छोड़ दे नहीं। पहली बात तो वो मजाक की बात है, हम लोग एक बात बोलूँ तो हम लोग आगे वाले की इज्जत करना सीख लिए है कम उम्र में। तो उन्होंने बोले और वो खुद से बोले कि भैया, मतलब उनको जब पता चला वो डायरेक्ट बोले कि भैया मैं मौसी के घर में हूँ आ जाओ करके, तो एकदम जाना भी अच्छा नहीं लगता। तो वो बाद में मिले हमको आके गाड़ी के पास, रिश्ता गाड़ी के पास, तो बाद में बोले कि अपन खाना खा के निकलेंगे करके, वो भी हमारे साथ आएंगे रिटर्न में, उनकी गाड़ी वाड़ी में है, फिर दोनों को मैं वाड़ी छोड़ दूंगा। कुणाल भैया कड़मेश्वर में रहे तो वो भी, तो वो लोग बाइक से निकल लेंगे कड़मेश्वर और मैं हिंगना बढ़ जाऊंगा बाइक से, है ना। तो भाई हम लोग फिर से गाड़ी के पास आ गए थे, थ्री स्टार अभी जहाँ से शुरू हुई वहाँ से अभी आगे आगे बढ़ रही, शायद सीधा ही लेके जाएंगे धरकी के पास क्योंकि सीधा रोड निकलता है मेन रोड पे। और हमारे साथ हमारे यश भाई थे थ्री स्टार दुमारे लड्डे और थे भाई, आपका भैया आपका भाई ना यहाँ पे आष्टी में, हम तो कल रात को आए 2 बजे रात को आए, हाँ रात को आए, कल काम था शादी का, यही वजह आष्टी में नहीं अपना काम नहीं था, मैं यशभाव के साथ आया। हाँ मतलब कल से इधर ही हो, मुझे लगा आ जाए होंगे, रात को आए फिर सोए। चलो कोई बात नहीं, चलते अभी उधर चाय वाय पीते हैं, आप तो चाय पीते नहीं तो हम दोनों ही पी लेंगे। हम लोग 8:30-9 बजे कुछ रोड की तरफ आए थे, नाश्ता वगैरह करे, अभी 9:30 बज गए और अभी संदल मेन गली से बाहर आ रहा है, फिर यहाँ से रोड की तरफ से सीधा जाएंगे दरगाह तरफ, मतलब करीब करीब 10-10:30 बजे तक की पार्टी बंद हो जाएगी, इधर से पार्टी आ रही है। कुणाल भैया का क्या कहना है, भैया क्या कहना आपका, वजह नहीं दे रही है पब्लिक है कि नहीं, पब्लिक है देखो, पब्लिक है स्टार्ट यार, पब्लिक पूरी बीच में नच रही, ना वीडियो बनाने को जगह है, ना बजाने वालों को जगह है, ना कुछ, तो पार्टी अभी जैसे बज रही वैसे ही बज रही, वैसे वीडियो लेंगे अभी आज से एक दो, और धरके के पास एक दो वीडियो लेंगे, बाकी धरके का शॉट देखते हैं, अगर ज़्यादा गर्दी नहीं होगी तो फिर से ऊपर जाएंगे एक बार, अगर गर्दी होगी तो नहीं जाएंगे क्योंकि वही आधा आधा पौन घंटा वही चले जाएगा। तो अभी पार्टी बाहर आ रही है, आके एक दो शॉट लेंगे। भाई हम लोग बस राह देख रहे थे कि संदल कब बाहर आ गया मेन रोड पे, तो संदल आ गया है और हम लोग बस रुके थे, तो हमको मिले लोक सेवा धवल मोर्ची के ओनर, आपका नाम, आपका नाम क्या भैया, नाम मुझे पता नहीं, आकाश भैया और हमारे रोहित भैया, रोहित भैया का नाम पता था मुझे भी पता था क्योंकि गाड़ी पे, गाड़ी पे मेंशन किया ने बोला सर ने, क्या बोले भैया, तेजस काले, आप बजाते हो, वीडियो भी बजाते हो, और अपने भाई लोग सब अपने है ना, सब लोक सेवा धवल मोर्ची दादा मास्टर है, और लोक सेवा धवल ब्रांड ने बोला वरुड मोर्ची साइड है कि नहीं है, सच्ची में, और बाकी पीछे में संदल अभी बाहर निकला रोड से, तो यहाँ से आधे घंटे में पहुंच जाएगा दरगे के पास, फिर देखते हैं अपना विषय बनाना, अपने को निकलना है ना जल्दी, निकलना चलो है ना। तो भाई हम लोग लोक सेवा वाले भाइयों के साथ थे, थोड़ा बातचीत किया उनके साथ, अभी दरगे के पास ये देखिए इधर दरगाह है, और जब पार्टी पहुंच रही है अभी दरगे के पास, तो एक दो शॉट धुमाल के लेते हैं और मेले का शॉट ले लेंगे, और ऊपर ज्यादा गर्दी नहीं होंगी तो ऊपर का भी शॉट ले लेंगे ना, चल के सीधा धुमाल के पास।
तो गाइस पार्टी हो चुकी है बंद, हम लोग वीडियो निकालने के हिसाब से आए थे बट बजी नहीं ज़्यादा, पब्लिक एंडिंग तक पूरी बीच में नच रही थी और लोगों ने सलामी कैसे कैसे बजा लिया। और अभी चलते इधर का शॉट लेते थोड़ा बहुत है ना सिनेमेटिक सामान और आते बाहर, फिर बढ़ते अपने घर की तरफ है। तो गाइज 2 बज रहे थे रात के, मतलब 2 पूरे बज गए, बराबर 2 बज गए थे। दिखा बरा भाव घड़ी में, घड़ी बंद है भाव। अरे यार बेइज्जती वाला काम है साला। अरे रुको पहले ये निकाल लेता, दादा नहीं बनना है मुझे, भाव नहीं बनना है मुझे, ये गलती से रह गया था गाइज। कितना 2 बज गए ना पूरे, 2 करेक्ट 2 बज गए। और अभी हम लोग थे कारण जाके थोड़ा पहले और चाय पी रहे थे गर्म हवा के साथ एकदम। हमारे वसीम भैया भी हमारे साथ बने हुए थे। वसीम भैया का कहना था कि मैं भी गाड़ी से आ जाऊंगा, मुझे वाली छोड़ देना, मतलब इनको कलमेश्वर छोड़ने से अच्छा मैं दोनों को वाली छोड़ दूंगा। तो वसीम भैया की गाड़ी है वाली में, तो दोनों जन वहाँ से कलमेश्वर चले जाएंगे कि नहीं, नहीं तो मुझे कुणाल भाई को छोड़ने के लिए कलमेश्वर जाना पड़ा रहता। तो वो एक बात अच्छी हो गई, इनको वाली छोड़ दूंगा मैं, इतना भग जाऊंगा ना। अभी फिलहाल चाय पीते और निकलेंगे, लॉग इन करेंगे अपन वाली में, है ना वाली में। और दूसरी बात जॉकेट नहीं, कुछ भी कुछ भी नहीं, ऐसे शर्ट पे यार उतनी ठंडी लग नहीं रही, बोल रहा ठंडी नहीं लग रही कहीं, बस बीच बीच में ना क्या बीच बीच में थोड़ा एकदम भपका आ रहा। तो भाई 3:30 बज गए थे और हम लोग थे अभी वाड़ी में चांतारा धुमाल के ऑफिस के पास, पीछे सेटअप है चांतारा धुमाल का। वसीम भैया की गाड़ी यहीं पे थी। चलो वसीम भैया यहाँ तक कि अपना सफर था आज का, अभी आप अपने रास्ते, मैं मेरे रास्ते, थक गए अभी, मेरा तो नहीं पता सोऊंगा कि नहीं सोऊंगा तो बता नहीं सकता। अभी चलते व्लॉग करते अपन यहीं पे खत्म। हमारा देखिए पहले से बता देता हूँ, हमारा प्लान तो था नहीं बट हम लोग फिर भी चले गए और जितना हुआ उतना कवर किया। और पार्टी बज ही नहीं रही थी, पहली बात तो बज नहीं रही, मतलब पब्लिक इतनी भयंकर थी कि सीधा बेस को चिपक के नच रही थी पब्लिक, तो ना बजाने वालों को मजा आ रही थी और बज भी नहीं रही थी। ऐसे बोल सकते नहीं भैया? हाँ बोल सकते हैं, क्योंकि बजाने ही नहीं दे रही थी पब्लिक, सीधी बात है ना। पूरी हमारे पास में जब हम बजा रहे थे तो इतनी पब्लिक थी कि हमको जगह नहीं मिल रही थी चलने भी नहीं बजाने भी नहीं। और कुछ मतलब ऐसे पब्लिक, मतलब मास्टर बता रहा है अंदर, वो समझ में नहीं आ रहा, नहीं जाते थे तो कैसा थोड़ा दिक्कत जा रही थी, इस वजह से थोड़ा ये हुआ, प्रॉब्लम हो रही थी। और इसी वजह से हम लोग ने वीडियो भी नहीं निकाले बाद में, बस स्टार्टिंग के निकाले, वही देखने को मिले आपको, है ना। तो अभी इस व्लॉग को करते हैं अपन खत्म, जल्दी मिलेंगे नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।